हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आनंद सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे पेस है एमजेड की तरफ से S1, एमजेड की तरफ से S2, S3, S4। यानी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर दोस्तों आप भी इंटरेस्ट हो मिनी स्पीकर को खरीदने में, दोस्तों बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 300 रुपये, दोस्तों 300 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे। इसी बीच दोस्तों पहला जो है S1, इसकी 300 रुपये प्राइस है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा फ्लैक्चुएट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं इनकी अनबॉक्सिंग से लेकर के। और दोस्तों इन तीन वाले स्पीकर है, इनमें एक अच्छी बात है जो है गाइज, यानी SD कार्ड सपोर्टेड। बेसिकली गाइज होता क्या है, ये वाला स्पीकर है सिर्फ यहाँ पे काम करता है सिर्फ ब्लूटूथ पे। इसी बीच दोस्तों आपको भी चिप डालने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों 1, 2, 3 दोस्तों तीनों स्पीकर बहुत ही लाजवाब है। इसी बीच दोस्तों सिंपली यहाँ पे बात कर ले, सबसे पहले यहाँ पे MZ के मेटल S1 की बेसिकली गाइज यहाँ पे देख सकते हो, पावर बैक भी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे मॉडल नंबर M2 लिख रखा है। और गाइज यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों जो भी यहाँ फीचर है यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे बहुत हुआ, सिंपली आप इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ सीन है। लो जी यहाँ पे खोल चुका है। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार की स्ट्रिप आती है जिसको आप इसके अंदर लगा करके आप इस प्रकार से मतलब आप कृष्ण लीला कर सकते हो। सिंपली गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे V8 यहाँ पे डाटा केबल मिलती है। साथ में गाइज मिलता है आपको हैवी क्वालिटी का ब्लूटूथ मिनी स्पीकर। यानी दोस्तों मिनी स्पीकर बहुत ही यहाँ पे लाजवाब है, देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का डिज़ाइन है एज यू कैन सी, देख सकते हो गाइज। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है बी बिलीव इन क्वालिटी। सिंपली दोस्तों यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए सिंपली ऑन। एंड दोस्तों इसके अंदर ना तो कोई चिप डलती, देख सकते हो गाइज सिंपली यहाँ पे ऑन हो चुका है। दोस्तों बहुत ही यानी क्वालिटी में यहाँ पे लाजवाब लग रहा है। MZ की यहाँ पे क्वालिटी बहुत ही लाजवाब होती है। इससे पहले भी दोस्तों हमने बहुत सारी यहाँ पे वीडियो बनाई थी। सिंपली दोस्तों ये रहा जिसका प्राइस 300 रुपये है, मैंने यहाँ पे बता दिया। एक इस प्रकार की ये आती है भैया जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। सेकेंडरी दोस्तों ये वाला स्पीकर है यहाँ पे S2, देख सकते हो S2 है जो यहाँ पे में मतलब चिप डलती है, एक नया फीचर है। सिंपली गाइज उसी प्रकार से यहाँ पे इसकी पैकेजिंग सी सेम है, बोले तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन हो गया, साथ में जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे है। और गाइज जो भी है यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और सिंपली गाइज इसका मॉडल नंबर है M5। सिंपली यहाँ पे खोल लिया है इसको भी। तो भाई उसी प्रकार से दोनों ये आइटम है वो तो सेम ही आते हैं, स्ट्रिप और ये डाटा केबल। और यहाँ पे गाइज ये वाला जो स्पीकर है ना दोस्तों, यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी देख सकते हो कितना यूनिक डिज़ाइन बना रखा है। और यहाँ पे जो जाली है उसकी जगह भी यहाँ पे मेटली की यहाँ पे जाली बना रखी है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की है जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइज इस प्रकार से यहाँ पे MZ की ब्रांडिंग है लिखी हुई है, अच्छी क्वालिटी में है। और गाइज यहाँ पे सिंपली ऑन करने के लिए सिंपली Welcome to MC Music World। तो दोस्तों उससे मेरे को यहाँ पे इसकी बात बहुत ही अच्छी लगी। इसी बीच दोस्तों पावर बटन और यहाँ पे दो बटन यहाँ पे मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। मेमोरी कार्ड डालने के लिए यहाँ पे गाइज ये वाला दे रखा है दोस्तों, यहाँ से आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। चार्जिंग के लिए ये रहा। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। इसकी प्राइस दोस्तों 50 रुपये एड ऑन हो जाती है, बोले तो 350 रुपये। और दोस्तों अब भैया बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे चलते हैं तीसरे पे, बोले तो S3 जिसका मॉडल नंबर है गाइज M7। चलिए इसको भी खोल लेते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे सारे टेक्निकल स्पेस जो भी मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। लो जी उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पे वही सेम डाटा केबल और यहाँ पे स्ट्रिप्स आती है। पहले इसी गाय आपको बता देते हैं इसका काम क्या होता है। काम सीधा सा ही होता है, देखो आप भैया यहाँ पे खांचा सा दे रखा है, बोले तो इसके अंदर आप लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर भैया डालो, यानी गाइज इस प्रकार से आप इसके अंदर डाल सकते हो। यानी दोस्तों कोई सुइज आएगी मदद से डाल सकते हो, फिर इसको गाइज इस प्रकार से आप कैरी कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा यानी मस्त है। और दोस्तों इसका डिज़ाइन तो भैया लाजवाब है, देख सकते हो गाइज इसका डिज़ाइन तो भैया दोनों से ही यहाँ पे लाजवाब है। और यहाँ पे ब्लैक कलर में काफ़ी हद तक यहाँ पे शानदार लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। उसी प्रकार से सेम डिज़ाइन है, चिप डालो और तीन बटन मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे चार्जिंग वाला हो गया और जाली की भी भैया सेम ही क्वालिटी है। तो दोस्तों इसकी प्राइस भी यहाँ पे मैं बताने, इसकी दोस्तों प्राइस हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं इसकी भी, क्योंकि दोस्तों दोनों की सेम प्राइस है। इसी बीच यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। लो जी देख सकते हो गाइज ये है गाइज यहाँ पे S4, यहाँ पे जो भी है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। और मॉडल नंबर की बात कर देते हैं M8। सिंपली गाइज ये खुल चुका है सभी में दोस्तों। इस प्रकार की एक
जो यूजर मैनुअल कह लो या फिर जो भी है यहाँ पे इस प्रकार की आती है। साथ में उसी प्रकार से दो आइटम डाटा केबल और ये स्ट्रिप। और गाइस इसका डिज़ाइन कुछ यानी ज़्यादा ही यूनिक तो नहीं कहेंगे, जो यहाँ पे पहले हमने वीडियो बनाई थी KDM का था एक मॉडल, उसी तरीक़े से दे रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे चिप डालो और यहाँ पे स्ट्रिप लगाओ, तीनों बटन मोड। बेसिकली गाइस तीनों के यहाँ पे मैन जो है यहाँ पे डिज़ाइन ही मैटर करते हैं, देख सकते हो गाइस। तो देख सकते हो बहुत ही यानी मस्त क्लियरिटी लग रही है इनकी सभी की डिज़ाइन लो हर एक मामले में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं S3 और S4 की प्राइजिंग की। सिर्फ दोस्तों ये 400 रेंज 400 के बजट में ये आपको देखने को मिल जाता है, यानी इसीलिए कहेंगे मतलब दोस्तों 400 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी के आपको स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये आप अपने कोई भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर हमको भैया ऑनलाइन कोई भी इनकी लिंक मिलती है तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।